असलम अच्छा वो टॉपिक ना पार्थिनोजेनेसिस जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है अगर देखा जाए एग से ऑर्गेनिज्म बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एग से ऑर्गेनिज्म का बनना बगैर फर्टिलाइजेशन के इस प्रोसेस को नाम देते हैं पार्थिनोजेनेसिस मतलब कि डेवलपमेंट होना ऑर्गेनिज्म का एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन आप पार्थिनोजेनेसिस का नाम देते हैं इस दौरान कौन कौन से जानदार हैं जो बगैर फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं जैसे आंट्स बीज और हैफिड ये सारे जो जानदार हैं इनमें पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है एक हैप्लॉयड है पार्थिनोजेनेसिस और एक है डिप्लॉयड पारथिनोजेनिस में क्या होता है एग हैपोलॉइड है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म का बनना वो भी हैप्लोइड बने आप इसको हैप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं जैसे हैप्लोइड एग डेवलप इनटू हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म किस जानदार में ये होता है तो बीज के जो मेल होते हैं ड्रोन जिनको कहते हैं मेल ड्रोन इनके अंदर हैप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस है और इनके जो स्पर्म्स बनते हैं ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो माइटोसिस से बनते हैं क्योंकि हैप्लोइड में मियोसिस नहीं होती तो इनके जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन है वो माइटोसिस से होती है डिप्लोइड पार्थ

तो नॉन डिसजंक्शन मियोसिस की वजह से इनके एग प्रोड्यूस होते हैं हाँ आपको ये बता दूं कि जो क्वीन होती है ना बीज की क्वीन ये स्पम्प को कैरी करती है और एक पाउच के अंदर जो कि क्लोज़ कर देती है वाल्व की मदद से ठीक है वैसे आपको पता होना चाहिए क्वीन जो होती है ना बीज की क्वीन जो कि मलिका जिसको नाम दिया जाता है शायद के मक्खी के छत्ते के अंदर जो मलिका है वो स्पम्प को कैरी करती है पाउच के अंदर पर उसको क्लोज किससे करती है उसका नाम क्या बेटा वाल्व है जजाकर खैर